हेलो माय ऑल लवली स्टूडेंट्स एंड माय ऑल फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है क्लास 8 का साइंस का लेक्चर है, चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसके पहले कई सारे लेक्चर हो चुके हैं, क्योंकि डियर चिल्ड्रेन एक लेक्चर में पूरा चैप्टर कवर नहीं हो सकता, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में वीडियोस आ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कैसे मिट्टी में किस तरीके से मिट्टी में जो न्यूट्रिशंस की मात्रा है उसे हम उसका जो बैलेंस है उसे हम मेंटेन करके रख सकते हैं। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन यानी फसल एक फसल के बाद सेम वही फसल नहीं उगाई जाए, उससे दूसरी फसल उगाई जाए एक ही खेत में, एक ही फील्ड में। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्रॉप रोटेशन इज अनदर मेथड ऑफ सॉइल रिप्लेसमेंट विथ न्यूट्रिशंस। जो क्रॉप रोटेशन है यानी फसल की अदला बदली करके फसल के खेत में बुआई करना, ये जो मेथड है ये एक ये भी मेथड है मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा को बनाए रखना। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही फील्ड में हम एक ही फसल, अगर गेहूं की फसल है तो लगातार अगर हम गेहूं उगाते रहेंगे तो मिट्टी में जो न्यूट्रिशंस है वो कम हो जाएगा, मिट्टी उतनी फर्टाइल नहीं रहेगी। ठीक है, ये जो मेथड है इसमें ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली, इसमें क्या करते हैं हम अलग अलग टाइप की क्रॉप एक ही फील्ड में, अगर एक इस बार अगर गेहूं है तो उसके बाद हमने मक्का या फिर किसी और क्रॉप की खेती कर ली। ठीक है, उस फील्ड में इसे हम कहेंगे क्रॉप रोटेशन, यानी अल्टरनेट करके लगातार एक ही फसल नहीं उगाएंगे। ठीक है, फार्मर जो नॉर्दर्न इंडिया यानी जो उत्तरी भारत के जो किसान हैं, इन अर्लियर टाइम्स यूज टू ग्रो लीगम्स एज फूडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। ये इस जो नॉर्दर्न इंडिया के जो किसान हैं यानी उत्तरी भारत के जो किसान हैं, उन्होंने अभी जल्दी में क्या किया था कि फलदार एक ही फील्ड में अगर एक बार फलदार कोई क्रॉप उगाया तो नेक्स्ट सीजन में वीट गेहूं का, ठीक है, अल्टरनेट क्रॉप उगाना स्टार्ट किया, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया रिप्लेस करने में सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को, यानी नाइट्रोजन की मात्रा बनी रही इससे मिट्टी में। ठीक है, फार्मर यानी जो किसान है इससे ये जो फार्मिंग पैटर्न है इससे किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी इनकरेज करना चाहिए कि ये जो पैटर्न है इसे सभी लोग यानी सभी जो किसान हैं वो इसे अप्लाई करें, जिससे मिट्टी फर्टाइल बनी रहे। ठीक है, और खेती अच्छी जो भी क्रॉप उगाई जाए वो बहुत ही अच्छी पैदावार हो उसकी। ठीक है, वी लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया इन द प्रीवियस क्लासेस। हमने प्रीवियस क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। ये बैक्टीरिया क्या कार्य करता है वो देखते हैं। ये किस में उपस्थित होता है पहले ये देखिए, ये प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट यानी लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब क्या होता है, फलदार वृक्ष। ठीक है, फलदार पौधे। ये जो फलदार पौधे की रूट होती है, जो जड़ होती है, जड़ में आप लोगों ने देखा होगा थोड़ी गांठ जैसा होता है ना, थोड़ा फूला फूला सा होता है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है, उसको इसमें कन्वर्ट करता है मिट्टी में, जिससे पौधे उसे अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होती हैं और जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित होती है उसे कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, और मिट्टी से पौधे पानी जब हम डालते हैं उससे पौधे क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मेन्योर। अंतर देखेंगे हम लोग कि फर्टिलाइजर और मेन्योर में क्या अंतर है। सबसे पहले डियर चिल्ड्रन, फर्टिलाइजर का मतलब होता है रासायनिक खाद और मेन्योर का मतलब होता है जैविक खाद। ठीक है, इसके बारे में पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फर्टिलाइजर में क्या आता है और मेन्योर में क्या आता है। आज हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस है फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट विच इज मैन मेड। फर्टिलाइजर क्या है, अजैविक सॉल्ट है जो कि मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है, और मेन्योर क्या है, मेन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रिमेन्स। जो जैविक खाद है
ये नेचुरल जो पदार्थ होते हैं जो डीकम्पोजिशन से प्राप्त होते हैं, यानी जो चौपाई कैटल यानी चौपाइयों के जो गोबर होते हैं और जो प्लांट्स सड़ जाते हैं, जो डेड एनिमल होते हैं उनके जो डीकम्पोजिशन से बनता है, वो पदार्थ क्या हो कहलाता है? मेन्योर यानी जैविक खाद कहलाता है। ये क्या है? ये नेचुरली होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्या है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर है यानी जो रासायनिक खाद है वो फैक्ट्री में बनाई जाती है। मेन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और जो जैविक खाद है वो फील्ड में बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, थर्ड है फर्टिलाइजर, वेट, फर्टिलाइजर्स डज नॉट ऐड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो रासायनिक खाद है वो मिट्टी में कोई परत, एक्स्ट्रा खाद की परत नहीं उससे होती है, ठीक है। लेकिन मेन्योर ऐड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, लेकिन जो जैविक खाद है वो मिट्टी में एक परत इसका बन जाता है खाद का, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। रासायनिक खाद में ज़्यादा मात्रा में, मतलब प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशंस होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम होगा, ठीक है। मेन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशंस, लेकिन जैविक खाद में थोड़ा कम होता है पोषक तत्व, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये जो डिफरेंस है इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और कम से कम टू डिफरेंस आप लोग लर्न करके मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ मेन्योर, यानी जो मेन्योर है, जो जैविक खाद है, जो नेचुरली नेचुरल सब्सटेंस है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके फायदे क्या है, ठीक है। द ऑर्गेनिक मेन्योर इज प्रीफर्ड ओवर फर्टिलाइजर्स बिकॉज, जो ऑर्गेनिक मेन्योर है इज प्रीफर्ड ओवर फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद से ज़्यादा पसंद किया जाता है, बिकॉज, क्योंकि, क्यों पसंद किया जाता है भाई, चलिए देखते हैं। इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता बढ़ाती है। कौन? मेन्योर यानी जैविक खाद मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, इट मेक्स द सॉइल पोर्स विच अलाउ इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मिट्टी में एक छोटे छोटे छिद्र इससे बनते हैं, ठीक है। मिट्टी में छोटे 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 छिद्र क्रिएट होते हैं, बनते हैं, जिससे गैस एक्सचेंज हो जाती है, यानी जो नीचे के नीचे गैस एक्सचेंज हो जाती है, यानी जो वायुमंडल में जैसे नाइट्रोजन वगैरह है वो, और अंदर अगर कुछ बैड गैसेस हैं वो बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। यानी गैसों का एक्सचेंज अदला बदली हो जाता है इससे। नेक्स्ट क्या है, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। मिट्टी में जो कहते हैं ना किसान का फ्रेंड कहा जाता है ना केचुए को, ये क्या, ऐसे ही माइक्रो जो सूक्ष्म जीव ज़्यादा मात्रा में जो कि फ्रेंडली है, जो कि मिट्टी, जो भी प्लांट के यानी मिट्टी के जो दोस्त कहे जाते हैं, जो कि फायदेमंद होते हैं प्लांट के ग्रो करने में, जो मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं मेन्योर की वजह से, जैविक खाद की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज है, इट इन्हेंसेज द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये जो मिट्टी की बनावट है उसे अच्छा करता है, यानी मिट्टी का जो टेक्सचर है उसे भी अच्छा करता है, इसलिए लोग जैविक खाद को ज़्यादा पसंद करते हैं रासायनिक खाद से, ठीक है। दैट्स इट, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इरिगेशन, सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और आप लोग प्रीवियस जो लेक्चर है उसे ज़रूर देख लीजिएगा, और लेक्चर आप लोग ध्यान से देखा करिए, लेक्चर ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, हैव अ गुड डे।